पवाड़ा। ट्रॉल्स के नाम ओपन लेटर, इंसान बन जाएं और औरत माज के खिलाफ जहर ना उगलें। सीरियसली एंड यू वांट मी टू पब्लिश दिस ऑन अ वेबसाइट? बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। मेरे ख्याल में तुम्हें दादी अम्मा बनने की जरूरत नहीं है, इनको सुधारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सुधरने वाली कौम नहीं है। नो नो नो, यस यस यस, ये औरत मार्च, उसके प्ले कार्ड्स, बल्कि औरत जात के लिए जिनको इस हाली कैफियत तारी है, उनके लिए मेरी तहरीर शाफी नुस्खा साबित होगी। मतलब आप उन बीमारों को इलाज करने चली हैं जिनको बीमार होने की तनख्वाह मिलती है? सब तनख्वाह नहीं लेते, कुछ रजाकार भी होते हैं, और उन्हें एक रिमाइंडर देने की जरूरत है कि हम सन 57 में नहीं जी रहे, ये 2020 है। और वैसे भी उन्हें ये बताने की जरूरत है कि औरत या उसके बॉडी पार्ट्स पे दुष्नाम नहीं है, और फिर औरत अपने मर्द रिश्तेदारों के लिए गाली नहीं है, और ना ही रेप जोक्स कोई बाछे खिलाने वाली बात होती है, और ना ही। हेलो, अच्छा कवर करते हैं स्टोरी जी। आपके रिपोर्टर का फोन था, बता रहे हैं कि औरत मार्च के मुकाबले में अब मर्द मार्च भी हो रही है। वेरी गुड, ये चीज़ वेरी गुड तो है, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि रग रग में बसी है पेट्रियार्की हमारे। और मेरा ख्याल है कि ये सदियों पुराना इंस्टीट्यूशन कायम इसलिए है कि मर्द इसकी हिफाजत कर रहे हैं, और थोड़ी सी आँच भी बर्दाश्त नहीं करेंगे इसके ऊपर। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि ये एक जंग है भाई, इट्स वॉर ऑन पेट्रियार्की। और जिन रिवायती मर्दों के खिलाफ हमारी जंग है ना, पता है वो होपलेस है। यस आई नो, बट आई स्टिल बिलीव दैट देयर इज होप। मेरा ख्याल है उन मर्दों से बात करनी चाहिए जिन्हें अंदाजा है कि ये पिदरसरी निज़ाम कहीं ना कहीं उनका बाप भाई एक कर रहा है। अच्छा होप, वैसे मेरा मशवरा मानो, ये तुम होप शोप के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ये जो औरत मार्च के खिलाफ मुहिम चल रही है ना, ये सारी स्पॉन्सर्ड है, स्टेट स्पॉन्सर्ड। अली जफर की पेट्रियार्की से, बल्कि मैं कहूँगा कि फैशनेबल पेट्रियार्की से लेकर ये जो खलीलुर रहमान कमर साहब है ना, इनकी चीप मैस्कुलिनिटी तक, ये सब स्पॉन्सर्ड है। हमारा पीएम और उसकी जो काबीना है वो मिसोजिनिस्ट है, हमारा रॉक स्टार मिसोजिनिस्ट है, हमारा राइटर तक मिसोजिनिस्ट है। मैं तो ये कहूँगा कि मिसोजिनी का कारखाना है हमारी पूरी स्टेट। तो ये अपनी तहरीर क्या रद्दी की टोकरी में डाल दूँ? वैसे अगर कहो तो इस काम में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। नहीं देखो, सीरियसली मैं फर्मली बिलीव करता हूँ कि ये एक रेडिकल माइंडसेट है, और हम इस माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकते। इसका सिर्फ एक ही जवाब है कि जवाब में रेडिकल फेमिनिज्म लाया जाए, बगैर किसी एक्सक्यूज के, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के। जो डर गया समझो मर गया। डर कौन रहा है? मैं डर रही हूँ। मैं इनसे डरूंगी जिनके इश्यूज इतने पैटी हैं कि औरत को ऐसे नहीं ऐसे बैठना चाहिए, या इनसे डरूंगी जिनकी मर्दानगी के पैमानों के सदके रेलवे स्टेशन की तरफ की दीवारें काली हुई होती हैं। डर और उम्मीद में फर्क है, बात करना उम्मीद है। ओके, अगर तुम अपनी उम्मीद के बारे में इतनी ही कॉन्फिडेंट हो तो कर लो अपनी उम्मीद पूरी, देखते हैं क्या जवाब आता है। ओके, देखते हैं।